सर 2 साल बर्बाद कर दिए, अब पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे ड्रॉप लेने के लिए। ये जो क्वेश्चन है यार, ये अभी कई बच्चों का क्वेश्चन है कि भाई हम हमारे पेरेंट्स को कैसे मनाएं कि मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ, स्पेशली जो क्लास 12th के बच्चे हैं और JEE की हम बात करें जिसमें 12th का और उसके अगले साल ही आप एडवांस तक का एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव टाइम होता है। कई बार पूरी मेहनत करने के बाद भी 2 साल में हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। देखिए, ऐसा नहीं है कि कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि यार बिल्कुल मेहनत नहीं करी है ना, लेकिन वो रियलाइज करते हैं नहीं यार मेरे को मेहनत करनी चाहिए थी, और वो ड्रॉप ईयर में करते भी हैं। और कई लोग मेहनत भी करते हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाते। इसका प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है, देखिए कि यार अगर आप JEE का डेटा देखेंगे तो लगभग लगभग 50% बच्चे, चाहे NITs हो या IITs हो, ड्रॉप ईयर में सेलेक्ट होते हैं। और स्पेशली अगर मैं JEE एडवांस की बात करूँ ना यार, अब जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ, अपने इसरल के एग्जाम्पल ही ले लो। एशना तेजारिया ड्रॉप ईयर में IIT बॉम्बे में पढ़ रही है अभी, अपूर प्रिंस ड्रॉप ईयर में NIT त्रिची में पढ़ रहा है, हर्ष विजयवर्गीय IIT कानपुर में ड्रॉप ईयर में पढ़ रहा है, साई वेणु ड्रॉप ईयर में IIIT हैदराबाद CS में है, मेरा रूममेट जो था निहित गुप्ता, उसका वीडियो भी डाला था, वो 12th में बिट्स गोवा में चल गया था, दिवाली पे वापस आया, घर पे आया, कॉलेज ही नहीं गया, JEE एडवांस की तैयारी चालू कर दी, अगले साल ऑल इंडिया रैंक 49 मार दी। मेरे बैच का एक और दोस्त शशांक, उसकी ऑल इंडिया रैंक 28 थी ड्रॉप ईयर में। क्यों? क्योंकि 12th में वो केमिस्ट्री में एक नंबर की कट ऑफ से रह गया था। तो यार जो JEE एडवांस का नेचर है ना, आपको यार 2 एग्जाम होते हैं एक दिन में, 6 घंटे होते हैं आपको प्रूफ करने के लिए। यार 6 घंटे में एक भी गलती है ना, आपको इधर से उधर ले आती है। तो यार ये एग्जाम ही ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने 2 साल में मेहनत नहीं करी। तो अगर आपके पेरेंट्स को लगता हो, और सबसे बड़ी बात आप में जुनून हो कि नहीं यार मेरे को करके दिखाना है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं इस ड्रॉप ईयर में इतनी मेहनत करूंगा और जो पुरानी गलतियां थी सबको हटाऊंगा, तो आप पेरेंट्स को जरूर कन्विंस करें। देखिए, आपके अंदर की जो आग है ना, वो पेरेंट्स को भी दिख जाती है यार। अभी प्रतीक सर की केस बताऊं, मैं 12th में सर का सिलेक्शन नहीं हुआ था, प्रतीक आया, हम दो पापा जो NK गुप्ता सर है हमारे पापा और मैं बैठे थे, प्रतीक आया मैं ड्रॉप करूंगा 12th में। उसको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा था, डिसेंट इनफ है ना, ब्रांच भी बढ़िया मिल रही थी, ठीक है, लेकिन उसने बोला नहीं मैं ड्रॉप लूंगा, मेरे को तो IIT बॉम्बे ही जाना है, ये शब्द है उसके। एक बार को NK गुप्ता सर मैं भी डिस्कस कर रहे थे उसके पहले, यार ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, देखिए सबके डाउट होते हैं, सबके मन में डाउट होते हैं, क्योंकि 2 साल की हिस्ट्री से होता है कि यार एक फेलियर ऑलरेडी झेल चुके हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल कम आ जाता है। लेकिन यार आपके अंदर की जो आग होती है ना, जो हमने प्रतीक सर के अंदर देखी थी उस टाइम पर, कि नहीं मेरे को तो करना है और मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मतलब वो दिन था, उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और पूरा ड्रॉप ईयर में एकदम फुल पॉजिटिव के साथ में तैयारी करी। तो यार अगर आपके अंदर की आग है ना, तो आप दुनिया में किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। और JEE पर्टिकुलर में अगर आप अभी क्लास 12th में पढ़ते हो और रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो 1 साल की चांस लेनी चाहिए, प्रोवाइडेड मन में आग है तो। और अगर आग नहीं है, सिर्फ शौकिया तैयारी कर रहे हो, जुनून नहीं है इतना, मेहनत करने का दम नहीं है, तो फिर ड्रॉप मत लेना है ना। मतलब अगर मौज मस्ती करने का वो है कि यार ठीक है 1 साल भी मौज मस्ती करके आएंगे, तो यार फिर ड्रॉप मत लेना। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आप खुद को सपोर्ट नहीं करते हो, आप अपनी फीस खुद नहीं भरते हो कमा के, आपके पेरेंट्स भरते हैं, तो फिर आप जैसा भी कॉलेज मिले जो भी हो उसमें एडमिशन ले लुआ लो और आगे की सोचो जो भी आपको जीवन में करना है। लेकिन अगर इतना सा भी जुनून है ना, तो टेक योर चांसेस, फिर आपको ड्रॉप लेना चाहिए और पूरे शिद्दत के साथ में मेहनत करनी है। तो यार आपके जुनून से ही आप कन्विंस कर पाओगे, आपके जुनून से ही पेरेंट्स के साथ में आप बैठकर जो है डिस्कस करो, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, JEE का एग्जाम ऐसा है यार, इसमें मतलब एक भी गलती होती है ना, वो आपको इस पार से उस पार ले जाती है, ठीक है। और मैं यार सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अगर आपका बच्चा खुद कह रहा है ना मुझे ड्रॉप लेना है, तो उसको लेने दीजिए, क्योंकि अगर आज हमने
उसकी बात नहीं मानी ना, तो वो जिंदगी भर कोई भी डिसीजन लेने से डरेगा। फेलियर सबके जिंदगी में आते हैं, सबके जिंदगी में फेलियर आते हैं। इसी टाइम पर माँ बाप, बड़े भाई बहन का रोल आता है कि यार अगर आपका बच्चा, आपका भाई बहन जो भी है, वो अगर मन में इच्छा शक्ति रखते हैं ना पूरी कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, तो यार लेट देम डू व्हाट दे वांट, उनको एक मौका और दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। अगर देखिए वो सक्सेसफुल होते हैं ना, तो उनका जीवन में कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। और अगर वो दूसरी बार फेलियर भी होते हैं ना, तो कम से कम उसका भी ये फायदा है, उनके जिंदगी भर मन में मलाल तो नहीं रहेगा कि यार मैंने ट्राई नहीं करा, कम से कम मैंने ट्राई तो करा। फेलियर तो ठीक है, वो जीवन में आगे सक्सेस करेंगे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस अब इस बात पे डिपेंड करेगा आप उनको चांस देते हैं कि नहीं देते। तो अगर कोई पेरेंट्स मेरी इस बात को सुन रहे हैं, तो अगर आपके बच्चे में जोश है, जुनून है, और वो खुद अपने बल पर बोल रहा है कि नहीं मैं तैयारी करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, और वो आपसे कमिटमेंट करता है, तो उसका सपोर्ट आप कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मचाना है बच्चों। जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं, ईसरल का वॉरियर कोर्स लॉन्च हुआ है ड्रॉप के लिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं इस बार ईसरल के, आपको भी मचाना है, फोड़ना है। ऑल द बेस्ट।